हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर राहुल, बर्ड एंड स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर राहुल पेट केयर सीरीज में आपका बहुत ही स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हमारे जो पैरट्स होते हैं वो पैरलाइज हो जाता है, उसके कौन से रीजन होते हैं, स्पेशली बड़े पैरट्स में, एंड उसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट कौन सा करना चाहिए और घर पे हमें किस तरह से उपचार करना चाहिए, इसके बारे में हमारी वीडियो बनाई है। बड़े मसा लास्ट चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करना पक्के से, हमारे नए वीडियो सबसे पहले। तो चलते शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हमारे पैरट्स नियर अबाउट 3 मंथ से लेकर 1 ईयर या फिर 1 ईयर के ऊपर जो है हमारे पास, तो इनको पैरलिस क्यों हो जाता है, यह सबसे पहले हमें जान देना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चीज़ होती है, हमें पहले एनालिस करना चाहिए कि बर्ड के रूटीन में कुछ चेंज आया है क्या, बर्ड हमारा यहाँ पर कुछ सीख है, या फिर बर्ड फूल के बैठा है, या फिर बर्ड में कुछ प्रॉब्लम जा रही है, बर्ड की फिदर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, बर्ड को पैरलिस जो जब भी हो जाती है, तो सबसे पहला जो बड़ा रीज़न होता है उसमें होता है ट्रॉमा, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि उसके बर्ड के पैर की मसल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बर्ड का वजन कुछ कम हो गया क्या। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कील बोन जो होती है यहाँ पर, आपको टच करके देखना है आपको बर्ड को, अगर प्रोमिनेंट अगर आपको बर्ड की कील बोन लग रही है, इसका मतलब आपके बर्ड का वजन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो उसकी वजह से बर्ड में वीकनेस आ जाती है। तो उसके लिए आपको बर्ड का डीवर्मिंग करना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज, बहुत बार बर्ड को पॉइजनिंग हो जाती है, स्पेशल लेड पॉइजनिंग, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, बर्ड हमारे घर में कहने के रोमिंग करते रहते हैं, अगर बर्ड को पेंसिल मिल जाती है तो पेंसिल के अंदर लीड होती है, तो बर्ड फटाफट वो तोड़ना स्टार्ट करते, तो अंदर की लीड खाना स्टार्ट करते, उसकी वजह से भी बर्ड को यहाँ पर पॉइजनिंग हो जाती है। बर्ड को अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर दे रहे हो, बर्ड को जो भी वाटर है आरओ का वाटर ही यहाँ पर दीजिए। अगर आप बाहर का कहीं का वाटर अगर दे रहे हो, टैप का वाटर दे रहे हो, या फिर नल का अगर पानी आप दे रहे हो जो बहुत ही कंटेमिनेट रहता है, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बर्ड को हो जाता है, तो उस वजह से भी बर्ड को वीकनेस हो जाती है। और बहुत सारे इसमें वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, जो बर्ड को पैरालिस कराते हैं, इसको एनसेफेलाइटिस करके रोग जो कहता है उसे वो कहते हैं। तो वो अगर लग जाता है अगर कंटेमिनेट वाटर में से, तो बर्ड को यहाँ पर पैरालिस हो जाता है। और लास्ट चीज़ यहाँ पर न्यूट्रिशन डिफिशेंसी, बर्ड को अगर ठीक तरह से खाना नहीं दे पा रहे हो, उसमें सीड्स नहीं दे रहे हो आप, उसमें अगर आप उसे फ्रूट स्किप कर रहे हो, उसमें अगर वेजिटेबल्स नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अगर बर्ड को नहीं दे रहे हो, तो उसमें बर्ड को डिफिशेंसी होती है। बेसिकली जब भी बर्ड को डिफिशेंसी होती है, सबसे बड़ा प्ले रोल करता है कैल्शियम, कैल्शियम की डिफिशेंसी। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है फॉस्फोरस, उसके बाद आता है पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम की अगर डिफिशेंसी हो जाती है, तो बर्ड को भी इस तरह से लिमेस की प्रॉब्लम आती है। बर्ड को जिंक की अगर डिफेंस जो आती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। उसके बाद फ्रेंड, बर्ड को फोलिक एसिड की डिफेंस भी अगर हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें बर्ड का अगर पैरलिस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसी कौन सी मेडिसिन है कि जो सारी जो डिफेंस कम करते हैं, ठीक है। तो वेटर में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है, ठीक है, इस तरह से इंटाकैल्पेट करके प्रोडक्ट आता है, यू कैन सी, ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट जो आता है, इसमें सारी चीज़ें आती है, ठीक है। इसमें आपको कैल्शियम भी आता है, इसमें फॉस्फोरस भी आता है, इसमें पोटेशियम है, स्पेशली इसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बर्ड में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर मैग्नीशियम की डिफिशेंसी होती है, तो बर्ड में मैक्सिमम नियर अबाउट 30% जो प्रॉब्लम पैरालिसिस से आती है, इसमें मैग्नीशियम भी है, ठीक है। बाकी कैल्शियम में आपको ये नहीं मिलेगा। इसमें जिंक है, इसमें पेंटोथोनिक एसिड है, इसमें फोलिक एसिड भी है। तो बर्ड को पैरालिसिस जब भी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें है, आप बर्ड को दीजिए। इसका डोज क्या करना है आपको, बड़े अगर बर्ड है तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 ड्रॉप आप इसको 0.5 ml पानी में मिला के मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2 से 3 दिन में इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। और छोटे अगर बेबी पैरट अगर है, तो छोटे बेबी पैरट को 1 ड्रॉप मॉर्निंग, 1 ड्रॉप इवनिंग, वो भी आपको 0.5 ml पानी में मिक्स करके ही देना है, डायरेक्टली देने की यहाँ पर कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज बर्ड को यहाँ पर लूज मोशन लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको 2-3 दिन यूज कीजिए, आपके बर्ड की जो भी पैरलिस की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद देने के बाद भी अगर आपके बर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो आपको यहाँ पर एवियन स्पेशलिस्ट जो वेट होते हैं उनको दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बर्ड के पैरलिस के बहुत सारे रीजन होते हैं। डॉक्टर देखते ही आपको इजीली वो एनालाइज कर लेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगे, इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके पेट से रिलेटेड या फिर बर्ड के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हमें इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी, इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, और इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी, और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे, जो यूज़ करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।